Myself, Parag Nirmal, and I am yoga instructor from Jai International School. My topic is Yogan Chhatravan Vidyayog. यानी कि योग से छात्र का विद्या योग। लेकिन शुरू करने से पहले मैं मेरे मार्गदर्शक विपुल सर और वर्णा मैडम और जेएस के सभी स्टाफ, शायद ये नहीं होते तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और स्पेशली थैंक सर, इसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, और स्पेशली मनिंदर मैडम, शायद उसका बोल नहीं आया होता तो मैं यहाँ पे होता भी नहीं। तो मेरा टॉपिक योगेन छात्राणाम विद्या योग, यानी के छात्र को योग से साथ जुड़ना है। मैं ऐसा क्या करूं कि छात्र उसके साथ जुड़े, मैं ऐसा क्या उसको फील करवाऊं कि वो योग करे रोज हर रोज अपने लाइफ। तो मेरा विषय है योगेन छात्राणाम विद्या योग, और अगेन आप सबका धन्यवाद करना करके मेरा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ। हम सब लोग देखते आ रहे हैं कि आदि मानव से हम सब लोग परिश्रम करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम समझदार होते हैं कि परिश्रम घटता जाए। अभी का ऑनलाइन बैठे बैठे हम लोग काम करने लगे हैं, मतलब शारीरिक श्रम घटता गया है। तो आयुर्वेद में भी लिखा गया है कि अगर आप हर रोज व्यायाम कर रहे हो, योगी क्रिया कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट है, आपके शरीर के लिए बेस्ट है। तो आज सिर्फ योग भारत में ही नहीं, बल्कि काफी सारे विकसित देशों ने भी अपनाया कि नहीं, योग करना चाहिए, बॉडी फिटनेस के लिए बेस्ट है। तो आजकल हम सब लोग क्या करते हैं, आज जो भी खाना मिले वो खाना पीना कर रहे हैं, आहार जो भी मिल रहे हैं प्रदूषित खान पान खा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर रोग का घर बन गया है। तो ये शरीर रोग का घर बना है, तब जाके अब सबको अवेयरनेस आई है कि अब हमें कुछ करना चाहिए। तो सभी लोग ज्यादातर योग की तरफ आकर्षित हुए। तो सही में ये योग क्या है वो सब लोग जानने की कोशिश करने लगे हैं। तो मैंने मुझे तो छात्र के लिए बेस्ट है, अगर आप बचपन से ही छात्र को अवेयर कर दो अपने बॉडी के लिए तो बेस्ट है। तो मैंने सबसे पहले सभी छात्रों को क्या पूछा कि मुझे पहले जानना तो पड़ेगा वो योग के बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले मैंने सर्वे में पूछा कि आप जब यहाँ पे योग का लेक्चर हुआ तब उससे पहले आप योग के बारे में क्या जानते हो और उसके बाद क्या जानते हो। तो काफी कुछ कभी छात्रों ने ऐसा भी बताया कि मुझे कुछ पता भी नहीं था, योग एक सामान्य है, मुझे कुछ है ही नहीं। लेकिन दो तीन छात्रों ने बहुत अच्छा बताया कि भूलता नहीं सली, तो वो कहते थे कि वो सिर्फ मन की शांति के लिए ही है, लेकिन वो हर रोज जब करने लगे तब पता चला कि मन की शांति ने काफी कुछ फायदे है। और एक प्रियंशु सोटिया, उसने लिखा योग किसी काम का है ही नहीं, मैं ऐसा सोचता था, लेकिन जब हर रोज किया तब पता चला कि क्या क्या फायदे मिलते हैं। और दो स्टूडेंट थे, उसको सिर्फ इतना ही पता था कि उसमें आसन नहीं आता और कुछ नहीं, मतलब पहले ये सब कुछ पता था। लेकिन हाँ, एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा बताया था, अकबर यासीन, योग और योगा के बीच में फर्क पता नहीं था। हम सब लोग आज योगा योगा बोल रहे हो, योग बोल रहे, तो योग और योगा क्या किसी को पता ही नहीं है। तो योग क्या है, तो 2000 साल पहले करीबन महर्षि पतंजलि ने बताया था कि योग की व्याख्या क्या है, योग स्थिति निरोध। अगर आप अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करना सीख ले तो योग है। तो उसके ऊपर रेडियस जी ने कहा था योग और समाधि, आप समाधि तक पहुंच जाए तो योग है। तो समाधि तक पहुंचने के लिए महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगर ये सब कंप्लीट हो रहा है तो ही आप योग कंप्लीट किया ऐसा बोल सकते हो, मतलब ये योग है। अगर हमारे शरीर में से हाथ नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, पूरा शरीर कंप्लीट है, नहीं है। एक अंग कम है तो आप समझ लेना कि योग भी कंप्लीट नहीं है। तो सही में हम सब लोग योगा बोलते हैं, वो योगा क्या है? तो आजकल हम सब लोग जिसे योगा बोलते हैं वो सिर्फ आसन, प्राणायाम या फिजिकल एक्सरसाइज, ध्यान, इतने को ही हम योगा बोलते हैं। तो योगा बोल रहे हो तो आप यही कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन छात्र के लिए क्यों आवश्यकता है? लेकिन हम सब लोग जानते ही है कि आजकल हम लोग छात्र के ऊपर इतना दबाव डाल रहे हैं, वो देखो उसका फर्स्ट रैंक आया, तेरा क्यों नहीं आ रहा है। तो इससे क्या होता है, उसको तनाव बढ़ता है, तनाव से क्या होता है, रोग होता है। लेकिन अगर डेली वो योगी क्रिया कर रहे हैं तो उसको अपने के लिए, अपने लिए काफी कुछ फायदा मिल सकता है। और मैंने शिक्षकों के भी ऊपर सर्वे किया था, तो उसमें भी मैंने पूछा था कि क्या योग होना चाहिए, योग का लेक्चर होना चाहिए, उसमें मुझे 100% यस मिला, नहीं यहाँ पे नहीं,
जगह पर होना चाहिए और छात्रों को कम से कम कितना करना चाहिए योग, कम से कम 15 से 20 मिनट और ज्यादा से ज्यादा एक घंटा तो करना ही चाहिए। तो जिसने मैं वहां पे क्लास में क्या कर रहा था, 10 मिनट का ध्यान कर रहा था, 15 या 20 मिनट आसन फिजिकल के लिए और लास्ट में 10 मिनट आराम भी कर रहा था, आराम के आसन भी कर रहा था। तो प्राणायाम और ध्यान के कुछ हमारे छात्र की फोटोग्राफ है। आसन नॉर्मल आसन ही क्लास में होते हैं और आराम के लिए लास्ट 10 मिनट। फिर मैंने छात्रों को पूछा, सभी छात्रों को, कि ये जो मैं पद्धति करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो बेस्ट करना है, छात्रों को कुछ बेस्ट देना है, तो मुझे पता चलेगा तो ही मैं दे सकूंगा। मैंने छात्रों को पूछा कि क्या ये सही है, 10 मिनट ध्यान करो, 20 मिनट प्रैक्टिकल करो और 10 मिनट आराम भी कर लो, तो क्या ये सही है? तो मुझे 100% आराम मिला। स्टूडेंट्स ने भी बोला कि यस ये सही है, मतलब उसके ऊपर कुछ असर हो रहा है। काफी छात्रों ने लिखा कि 10 मिनट आराम नहीं, 20 मिनट चाहिए, 30 मिनट। फिर मैंने पूछा कि योगिक क्रिया जो स्कूल में लेक्चर शुरू हुआ उससे पहले आप लोग करते थे या नहीं करते थे? तो मतलब मुझे 80% ना मिला, लेकिन 20% आ मिला। वो 20% कौन थे वो भी मैंने जानने की कोशिश की। तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड स्टूडेंट्स थे और डीएलएसएस के स्टूडेंट, जिसका हफ्ते में एक बार योगा का लेक्चर होता है। फिर मैंने पूछा कि क्या आप हर रोज करते हो? ये भी जानना पड़ेगा कितने लोग हर रोज कर रहे हैं। तो हाँ, 24% स्टूडेंट ने मुझे ऐसा बोला कि हाँ मैं हर रोज योगिक क्रिया करता हूँ। और समटाइम्स कभी कभी 70% स्टूडेंट्स ने बोला कि यस हम सब कभी कभी कर रहे हैं, लेकिन क्यों कभी कभी क्यों? तो उसने लिखा था टाइम प्रॉब्लम, टाइम नहीं है ना, मुझे पता ही था कि ना तो होगा ही, तो इसलिए मैंने और एक अगेन क्वेश्चन रखा था, अगर आपको हर रोज करना है तो क्या करोगे, कितनी मिनट चाहिए आपको? क्योंकि आपको हर रोज करवाना है तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। तो मैंने पूछा 15-20 मिनट चाहिए, 25 या 30, 35 या 45, 45 या 60। तो मुझे 15-20 मिनट में ज्यादा स्टूडेंट्स मिले, 64%। 25 मिनट में 24%, और ये जो 45-60% है वो सब सिलेक्टेड स्टूडेंट है योगा के, मतलब योग के जो सिलेक्ट मैंने विशेष स्टूडेंट सिलेक्ट किए हुए हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमें रोज एक घंटा दो हम करेंगे। तो योगिक क्रिया के फायदे, मैंने फिर छात्रों को पूछा कि आपको क्या फायदा मिला, मतलब आपको कुछ फायदा मिला हो तो आप मुझे बताओ। तो उसने सभी छात्र ने लिखे कि मन को शांति मिली, नींद्रा में फायदा मिल रहा है, गुस्सा कम हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, सिर दर्द निकल रहा है। और एक स्टूडेंट ने तो लिखा था कि पढ़ने बैठने से पहले मैं 2 मिनट ध्यान करके बैठता हूँ, मतलब उससे मुझे ज्यादा फायदा मिल रहा है। और बेस्ट हेल्थ डोंगा, किसी ने लिखे हेल्थ डोंगा करके स्टूडेंट है, उसने लिखा था पेन प्रॉब्लम गॉन फ्रॉम दैट डे, मतलब एक दिन कुछ क्रिया की होगी और उसका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, उसने ये भी सजेस्ट किया था। फिर मैंने टीचर्स को पूछा कि क्या कभी कोई छात्र में आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? हाँ, तो मुझे 100% आ मिला। और प्रश्ना मैडम ने तो नाम भी नोट किए थे कि 2 स्टूडेंट में तो काफी कुछ बदलाव है, जेनी और मिस करके। और फिर ये सब कुछ हो रहा है उसका क्या, ये सब कुछ हो रहा है उसके लिए मैंने वो जो 20 स्टूडेंट्स निकाले बाहर, उसके लिए मैं हफ्ते में एक स्पेशल क्लास रखता हूँ, उसको एक घंटा चाहिए ज्यादा से ज्यादा सीखना। ऐसे जो स्टूडेंट्स है उसके में 2 महीने से मैंने उसको ऊपर स्टडी की है और उसका रिजल्ट ये रहा, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है, आप देख सकते हो। लोहड़ी पेरूड आसन है, सबसे हार्ड वाला आसन है, मैंने आज तक 10 साल के करियर में 1 महीने में ऐसा करते हुए नहीं देखा, सिर्फ 1 ही महीने में इसने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा बॉडी टच हो रहा है, अगर हम सब लोग यहाँ से नीचे झुकेंगे तो यहाँ भी टच नहीं होता है। एंड ये ओंकार आसन है, चक्रासन, पूर्ण भुजंग आसन, स्ट्रेचिंग, अलासन, उमासन, ये हैंडस्टैंड दोनों के ऊपर है। फिर है ना, ये सब करने से
हमारी अंदर की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, हमें शांति मिलती है, हमें अच्छा महसूस होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये सब कुछ मैं नहीं, हमारे स्कूल के टीचर्स का ही अनुभव था जो मैंने लिखा था। टीचर्स ने भी मैंने पूछा कि आपको क्या फील हो, वहाँ पर हमारे टीचर्स का भी एक हफ्ते में एक सेशन होता है टीचर्स को मैं करवाता हूँ। एंड थैंक यू। You would have done the survey for teachers, how many of teachers they are doing yoga and how many of the heads they are. Those who are saying the changes we have seen among the students, whether they are following or not, you would have asked them. Vipul sir regular karte hai, kaafi baar to mere paas 5 minute aate hai, main ye kar raha hu sahi hai. Dusre head? Sir, madam meditation. करती है और प्रेयर में भी सभी स्टूडेंट्स को वो करती है कि नहीं, माय क्वेश्चन करती है। मैंने पूछा था सर, मनिंदर मैडम भी रेगुलर करते हैं। गुड, सो इट वाज रियली वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। मैक्सिमम स्पोर्ट्स सेक्शन मैक्सिमम सर्वे ही हैज डन 230 स्टूडेंट्स ओवर। I don't know about others, other areas. So 230 student survey he has done, and the teacher and survey teachers was also different. Yeah. And he has given us excellent. Really. Your question. Yes. अब सही में बताऊँ तो मैं किसी को बिलीव भी नहीं आएगा, 10th स्टैंडर्ड में हमारे तब 6 मासिक 9 मासिक और वार्षिक एग्जाम होते हैं, मैं 6 मासिक और 9 मासिक में 5 विषय में फेल हूँ। फिर मैंने मजूरी का म्यूज शुरू कर दी कि चलो जल्दी पैसा कमाओ। 11वीं 12वीं में कर रहा हूँ, FY कर रहा हूँ। FY में जब योग की शिविर आई और दूसरी एक शिविर थी जिसमें हम घुमाने फ्री में घुमाने ले जाने वाले थे, तो मैंने योग की शिविर नहीं सीखी, वो फ्री में घुमाने वाली थी कि चलो चलते हैं। तो घूमने गए, घूमने के बाद आए, फिर एक बड़ा सा ऐसा प्लेटफॉर्म था, देखा कि योग के जितने भी उसमें सिलेक्ट किए थे सभी को वहाँ पे स्टेज पे बुला के सम्मान कर रहे हैं। वो सीख मैंने तो बोला, मैंने ये किया होता तो शायद मैं वहाँ पे होता, क्योंकि खुद प्रिंसिपल वहाँ पे उसको सम्मानित कर रहे हैं। फिर मैंने वहाँ पे देखा कि मैं किसी को पहचानता हूँ, ऐसा कुछ कोई है, तो फिर मुझे पता वो मेरी कजिन सिस्टर थी दूर की, तो वो योग टीचर वहाँ पे थी, तो मैंने उससे मिला कि ये क्या है, कैसे करते कैसे, मुझे भी ये सीखना है। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे ये करना है। फिर मैं भावनगर यूनिवर्सिटी में योग डिप्लोमा करने गए और वहाँ पे मुझे इसका फायदा कितना मिला वो मैं बोल रहा हूँ, मैं वहां पर गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। मतलब ये प्राण से याद शक्ति बढ़ती है, वो मैं खुद का एक्सपीरियंस इसमें तो मैं बोल सकता हूँ कि यार नहीं मेरी बड़ी है, क्योंकि उसके बाद ही मुझे इंस्पायर मिला कि नहीं अब कुछ करना है। फिर मैंने कॉम्पिटिशन शुरू की, नेशनल प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर कॉम्पिटिशन भी मैं करता हूँ, जो लास्ट में जो सभी छात्र थे वो सभी कॉम्पिटिशन प्लेयर थे। और इस साल 2 महीने की ट्रेनिंग में इनमें से 4 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए थे डिस्ट्रिक्ट में फॉर स्टेट के लिए, स्टेट कॉम्पिटिशन। एनी अदर क्वेश्चन, एनीबडी? યોગ કરવાથી આપણા બોડી ની અંદર શું ચેન્જ આવ્યો એ ખબર કેમ પડશે કે આ એક નવી વસ્તુ થઈ? પતંજલિ ને પૂછો જનરલી જ્યારે પણ સ્ટુડન્ટ્સ ને મારો ફર્સ્ટ લેક્ચર હોય, સપોઝ સ્ટુડન્ટ્સ ને કઈ ખબર નથી, મારે એને ઇન્સ્પાયર કરવા છે, તો હું યોગ વિશે થોડું ઘણું વાતો કરું ને એમ કોન્ટેક્ટ કરાવવાનો છું। પછી એને પૂછવાનું સ્ટાર્ટ કરું કે તમને શું લાગે, તો એ લોકો ફાયદા જ એના કહે છે કે મને આ ફાયદો થાય આ ફાયદો,
પછી એમ કહું કે તમને એવું રિયલ થયું કોઈ એક્સપિરિયન્સ એવું કર્યું છે? એ લોકો એમ કહે છે કે ના. અને હું એમ કહું કે હું 2 મિનિટમાં પ્રૂફ કરી દઉં તો મતલબ મુજબ ભી આપ યહાં પે 2 મિનિટ દો, મેં આપકો યહાં પે 2 મિનિટમાં એ પ્રૂફ કરી સકતા હું કે યોગ સે ફાયદા હૈ ઓર આપકો બોડી કો અંદર કુછ ફીલ હોગા કે નહીં કુછ હુઆ. મતલબ આપકો મેને એક બાર ઓમ કા પ્રાણાયામ કરવા દા, હા યહાં પે ફીલ હુઆ, આંખ ખોલી તબ લાઇટ લાઇટ બ્લુ બ્લુ દિખાઈ દેને લગા, મતલબ ક્લીન દિખાઈ દે રહા હૈ, આંખ મેં ફાયદે હો રહે. આપકો સર કાફી લોગો કો પતા ભી નહીં, અગર આપ ઠીક તરીકે સે મંદિર મેં જાકે પ્રેયર કર રહે હો સહી તરીકે સે, ઉસકા ભી એક કૈસે ખડે રહેના, કિતના સ્ટ્રેચ, તો આપકો કભી બ્લડ પ્રેશર કી પ્રોબ્લેમ નહીં હોગી. અગર આપ સહી તરીકે સે પ્રેયર ભી કર રહે હો તો બ્લડ પ્રેશર કી પ્રોબ્લેમ નહીં હોગી. ઓર વહાં પે આપ આંખ ખોલોગે તબ કભી આંખ કે નંબર ભી નહીં આયેગા. મેં સ્ટુડન્ટ્સ કો ભી બોલતા હું, અગર આપ બચપન સે સહી તરીકે સે અગર પ્રેયર કરો તો આંખ કે લિયે ભી બેસ્ટ હૈ, નંબર આપકે જલ્દી નહીં આયેગે દૂસરા સે, એસા બોલ સકતે હૈ. Great, anybody else? So really excellent, you have really made the last presentation excellent work. Thank you very much.